हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। हम आपको बताएंगे कैसे हमने स्कूबा डाइविंग की थी पोर्ट ब्लेयर में। तो ये है हमारा कुछ एक्सपीरियंस। ये मैंने 2018 में की थी स्कूबा डाइविंग, बट आई वाज नॉट कंफर्टेबल। ये देखिए, मैं बार बार इसको इशारे कर रहा हूँ कि ऊपर ले जाओ ऊपर ले जाओ, बट इसको समझ नहीं आ रहा था। आई वाज लिटरली वेरी अनकंफर्टेबल टू ब्रीथ। तो पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ, देखो कैसे मैं इशारे कर रहा हूँ इसको बार बार, मेरे को ऊपर ले जाओ ऊपर ले जाओ। ये जो इसके गियर्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे, पता नहीं। बाकी फ्रेंड्स को तो बहुत मज़ा आया था, मेरे को बहुत ही यहाँ पे दिक्कत हुई थी सांस लेने में। अगर आप समुंदर के नीचे हैं तो आपको सांस जो है ऑक्सीजन सिलेंडर जो पीछे बांधा हुआ होता है उसके थ्रू ही लेनी पड़ती है सांस। तो मेरे को सांस लेने में लिटरली बहुत दिक्कत हो रही थी। यहाँ पे आइज़ में पानी आ रहा था, जो समंदर का पानी वो नमकीन होता है, बहुत ज़्यादा खारा होता है, तो उसमें मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी सांस लेने में देखने में। तो उसने बहुत देर के बाद मेरे को ऊपर लेके गया, तब जाके मेरे को थोड़ी सांस आई। बट ये मेरे बाकी फ्रेंड्स थे, ये साहिल महाजन, इन्होंने तो बहुत मज़ा किया था। ये जो इशारा कर रहे हैं ये मतलब अच्छा लग रहा है उसको, ये काफ़ी कंफर्टेबल था। और ये देखिए ऐसी बहुत ही ज़बरदस्त, वैसे तो काफ़ी अच्छा था, बट जो मेरी फर्स्ट डाइव थी उसमें मेरे को बहुत दिक्कत आई। जो फिर उसने सेकंड डाइव में लेके गया तब मेरे को बहुत अच्छा लगा था। बाकी पानी जो है यहाँ पे बहुत क्रिस्टल क्लियर था, बहुत ही शानदार था। ये देखिए साहिल महाजन, ये दूसरा फ्रेंड सचिन कनव, बहुत मज़ा आ रहा था इनको। ये जो इशारे कर रही है कि बहुत शानदार लग रहा है सच्चू। और ये देखिए जो अंडरसी का नज़ारा, बहुत ही एक अलग ही दुनिया होती है अंडरसी। डेफिनेटली हर किसी को एक बार तो एक्सपीरियंस करनी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए मिस्टर कनब, बड़े कंफर्टेबल हैं ये तो। मेरे को तो बार बार ऊपर ले जा रहे थे, मेरे को उसके गियर्स जो थे वो बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। मैंने गोवा में की थी तब मेरे को बहुत मज़ा आया था, बट यहाँ पोर्ट ब्लेयर में पता नहीं जो मेरे को इक्विपमेंट जो मेरे साथ थे जो मेरे को दिए गए थे वो इतने कंफर्टेबल नहीं थे। बट आई डेफिनेटली रेकमेंड कि सबको एक बार तो ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो गाइज, जब भी आप स्कूबा डाइविंग करने जाएं तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखना कि जो आपको इक्विपमेंट दिए जाएंगे जैसे गॉगल्स और ऑक्सीजन सिलेंडर वो अच्छे से काम कर रही हो, तो इसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना। गाइस, आपने भी अगर स्कूबा डाइविंग की है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कहाँ पे की थी आपने स्कूबा डाइविंग और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तो गाइस, ये आपको हमारी स्कूबा डाइविंग की वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।